नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। राजस्थान की जनता को पेट्रोल डीजल कम होने का जितना इंतजार है शायद ही किसी और चीज का होगा। जनता पिछले काफी समय से त्रस्त है, लोग अपनी जेब हर दिन कटवा रहे हैं लेकिन मजबूर हैं, कहें तो किसे कहें, क्योंकि यह एक आवश्यक चीज़ है जिसके बिना काम भी नहीं चल सकता, तो बस असहाय महसूस कर रहे हैं। राजस्थान सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा उदयपुर ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भाजयुमो ने अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने की मांग की। भाजयुमो ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो उदयपुर के जिलाध्यक्ष सनी पोखंडा ने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में दीपावली पर पेट्रोल डीजल पर वैट ड्यूटी कम करके जनता को राहत देने का काम किया। भाजपा और एनडीए शासित प्रदेशों के तुरंत वैट कम कर दीपावली पर जनता को अतिरिक्त लाभ देने का काम किया, मगर खुद के दीपावली में व्यस्त राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैट स्वतः ही कम होने का जन विरोधी तर्क देकर दीपावली पर राजस्थान की जनता को अतिरिक्त लाभ देने से मना कर दिया। इसी आक्रोश से भाजपा और भाजयुमो उदयपुर ने राजस्थान सरकार को बता दिया कि राजस्थान में भी सरकार को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करना होगा, अन्यथा राजस्थान की जनता कांग्रेस सरकार को राजस्थान से शीघ्र विदा करने का काम करेगी और सरकार की ईंट से ईंट बचाएगी। भाजयुमो के इस प्रदर्शन में भाजपा जिलाध्यक्ष रविन्द्र शिमाली, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीना, महामंत्री डॉक्टर किरण जैन सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।